किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अरशद का दिन था, टोक्यो की और बुडापेस्ट की वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। नहीं बिल्कुल, देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं, कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। बिल्कुल नीरज, आपने टोक्यो में 87.5 से ऊपर फेंका था और आपका स्वर्ण आया, यहाँ पे 89 से भी ज्यादा फेंका लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला, तो इससे साफ पता चलता है कि जैवलिन का कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आपके विरोधी अरशद नदीम ने फेंका 92.97, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रो था, उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि हाँ ये आज वो दिन था जब जहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। नहीं बिल्कुल, कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था, तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो, तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब भी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। बिल्कुल, इंजरी के बावजूद भी आपने अपना सीजन बेस्ट फेंका है यहाँ पर, और जो आपका क्वालिफिकेशन था उसमें भी आपका बेस्ट थ्रो था, तो आपके तरफ से परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चैंपियन है नीरज चोपड़ा और जो गोल्ड जीतने की उसकी आदत है, इस बार ये लग रहा है राष्ट्रीय गान नहीं बजा अभी तक। देखो राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है सबकी उम्मीद भी थी, और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है स्पोर्ट्स है और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा, लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही।